जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ लेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं। अपने आक्रोश में हम अपने ही संबंध बिगाड़ लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे। परंतु स्मरण रखिए, सदा ऐसा संभव नहीं होता। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं। दूध तप कर उबाल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाता है, और फटे दूध को चाहे कितना भी मल लो, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगति और मित्र मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए एक पत्र में जल, दूसरे में दूध और तीसरे में कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दे तो यह जल दूध बन जाता है, और यदि इस जल को हम कीचड़ में मिला दें तो यही जल कीचड़ बन जाता है। ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिससे जल को कीचड़ में डालने के बाद बिना घुले अपना अस्तित्व बनाए रखें। ठीक ऐसा ही मनुष्य का जीवन होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगति करता है तो उसे लोग गुणवान समझेंगे, और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगति करने लग जाए तो उसे भी गुणहीन के समान ही समझा जाता है। इसीलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता और मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, यथार्थ गुमसुम रहने लगे, तो समझ जाना उसके हृदय में कोई दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी खुश रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव करावाता है। यथार्थ किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान सब देख रहा है। इसीलिए आप कभी भी यह ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूं, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। जो विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है वह परीक्षा में जरूर सफल होता है। इसी प्रकार व्यक्ति का भाग्य तभी बदलता है जब वह अपना कर्म करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार किसान खेती करता है, पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करता है, और एक बात का वह विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार न लग जाए, क्योंकि एक खरपतवार से ही खेत की सारी फसल नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने बच्चों के लालन पालन में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संतान वह फसल होती है
जो वंश के आगे आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना और इच्छा से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के तीन द्वारा हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोध करता है, उनके लिए नरक के द्वारा सदैव खुलने रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला, उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए कभी निराशा मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुखी के बाद फिर दुख आना संभावित है।